हर एक भाषा की अपनी विशेषता होती है, हर एक भाषा का अपना सौष्ठव होता है, हर एक भाषा की अपनी सुंदरता होती है। और इसलिए एक भाषा की सुंदरता, एक भाषा का सौष्ठव दूसरी भाषा में जस का तस नहीं उतारा जा सकता। ये कुछ इसी तरह है जैसे मेरे नाप के कपड़े आपको नहीं आ सकते, अगर आपके लिए उसे बनाना है तो आपके नाप के ही बनाने पड़ेंगे। वही करने का प्रयास हमने राजा शिव छत्रपति में किया है। जब हमने इसे मराठी से हिंदी में रूपांतरित किया है तो वो शाब्दिक रूपांतरण नहीं है, वो भावांतरण है। इट इज़ नॉट ट्रांसलेशन, इट इज़ एडाप्टेशन। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोग हिंदी जानते हैं, जो हमारे देश में बहुसंख्य हिंदी भाषिक लोग हैं, उन तक वो बात उन शब्दों में पहुँचे जिन शब्दों को, जिस परिभाषा को, जिस अभिव्यक्ति को वो बेहतर समझ सकते हैं। और इसीलिए ये एक तरह से भावानुवाद है। दिस इज़ नॉट ट्रांसलेशन, दिस इज़ एडाप्टेशन, या और अधिक शब्दों में कहें तो दिस इज़ ट्रांसक्रिएशन।